हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, HTML और JavaScript सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो HTML और JavaScript को ही लेकर के है। यहां पर देख सकते हैं, ये एक कोड हमने JavaScript का लिखा है, HTML के अंदर ही इसे इम्बेड किया है और ये पूरा कोड हमने लिखा है। और ये कोड इसमें देख सकते हैं मैंने बटन्स भी बनाए हैं। और इस कोड को अगर हम सेव करते हैं और एट लास्ट HTML को क्लोज करके और इसको फिर यहां से सेव करेंगे तो ये क्लोज ही है, सारा कोड लिखा हुआ है। अब इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं, तो यहां से जाएंगे इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करने वाले हैं। तो यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं calc, ठीक है, calc.html। .html लगाना जरूरी, HTML के फाइल की एक्सटेंशन होती है। इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, एक्सेस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये calc के नाम से सेव हो गया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं होता क्या है। इस पर जैसे ही हमने डबल क्लिक किया है तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए 2 में 3 ऐड करना है तो यहां 2 पे क्लिक कर दीजिए, प्लस करिए और इसमें 3 ऐड करना है तो ये 3 कर दिया और इज इक्वल टू के निशान पे क्लिक कीजिए, 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहां पर 55 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और यहां पर देखिए रिजल्ट 275 आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से 8 है और इस सबको हटाने के लिए क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और फिर मान लीजिए 8 को डिवाइड करना है 2 से तो 8 अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहां इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहां 4 आएगा। तो ये काफी अच्छा है और ये कोड लिखने से ऐसा कैलकुलेटर बना हुआ है, तो आप ये कोड देख ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।